Assalamualaikum everyone, good morning and welcome to our new vlog. तो यहाँ पे ये सुबह की चाय हो रही है और मेरी आवाज़ थोड़ी सी लग रही है, सो इग्नोर करें उसको प्लीज़। अच्छी लग रही है, छोटी है लेकिन ये ले लो, ये ले लो भैया, चेक करके देना भाई, आप देखो हम को देखो प्लेट्स कैसी है। इसमें भी थोड़े रहते हमने क्यों डाली काम हो वाले कब तो है ना अपने पास नहीं लगा ना अभी कितने की दे रहे ये कितने की दे रहे कितने की छे कितने की 100 रुपए की 100 रुपए की तो बहुत महंगी है यार ये इतने में तो नहीं आ जाएगी तो ये वाले कब ले ले उल्टे वाले ये ज्यादा तुम भर के नहीं लाओगी ये भल्लाती हो ये वाली अच्छी लग रही भाई ये दे देना वो हटा देना पागल कर देंगी ये आइए रखी आप वर्ट आइए आप ये रखी ये लो भाई भाई चाय भर दो मतलब रख दो उसको तो बस अरे यार अभी तो 125 दिया ना खुद ही यार झूठ बोल रहा हूँ यार नहीं बताओ कितने देना यार हम नहीं देंगे 150 रुपये 150 रुपये हम देंगे चाइना है ये भी ले लिए ये कितने की लोगे तुमको यार फिक्स रेट कसम कर खा के आए यार आज भी नहीं आपसे झूठ बोलेंगे सर जो है वही बोलेंगे भैया तो यहाँ पे ये दो गिफ्ट्स हैं जो मैंने जीशु के लिए बनाए थे ये वाला जो है ये मैंने शादी से पहले बनाया था ये वाला शादी के बाद बनाया था तो पहले ये वाला दिखाते हैं इजी है पूरा खोलने में थोड़ा तो इट्स ओपन लाइक दिस तो कुछ इस तो अपन यहाँ से देखते हैं ये क्या है फर्स्ट यहाँ पे मैंने जीशु के फोटोज लगाए थे वैसे आप सब खींचोगे बर्थडे गिफ्ट यहाँ पे जीशु के सारे पुराने फोटोज डाले और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोट्स लिखे थे आसपास और यहाँ पे था ये द किंग ऑफ माई हार्ट मैं ये रख के दिखाती ये मैंने जो वॉच दिखाई थी आप लोगों को ये वो ये मैंने टैटू बनाए थे किंग और क्वीन के ये पॉपअप बॉक्स बनाया था और ये ऐसा है तो ये इस तरह ओपन होता है कब दे जीशु के काफ़ी सारे नाम हैं जो मैंने रखे थे तो इनमें से एक ये है कद्दे दिस इज अ पॉपअप बॉक्स ओके नेक्स्ट इसको भी रख देते हैं यहाँ पर अगेन कोट्स यहाँ पे ये हमारी शादी का फोटो है जीशु का और ये सारे फोटोज मैंने निकलवाए थे निकलवाए मैंने इन्हीं से थे
तो यहाँ पे सारे फोटोज हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो मैं क्यूट फोटोज ऑफ द इशू। मुझे लगा था ये छोटे छोटे फोटोज निकलवाएंगे, लेकिन ही मेड सो बड़े बड़े। माई फेवरेट वन माँ टाइगर, डर लगता है इनको फटना नहीं जाए। बनाते हैं देन दिस इज We have this. This is a cake. Birthday cake. ये मैं बनाया था शायद इनके बर्थडे पे, सेकेंड बर्थडे था। My favorite pic of you. This one is so cute. Okay. रख के दिखाती हूँ मैं। ये तो खैर ऐसी तो एक्स्ट्रा में बन गया था मुझसे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ, एंड दिस इज ईशु का दुकान का फोटो। बर्थडे विशेस, मैनी मैनी बर्थडे विशेस। ये हमारी शादी का फोटो है। ओ ब्लर, सी इज सो क्यूट, सी इज आई लव यू। तेरा के जा रहा है। एंड लास्ट यहाँ पे भी टीशु है, गाँव का है, सर्दियों का फोटो है। ये बहुत पुराना फोटो है पुराने घर का। ये देखो एवरीवन जस्ट फोकस, बट आप सबको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि विशु ने ये छोड़ दी। मच्छर काट रहे हैं। एंड दिस, इसमें मैं चॉकलेट भरने वाली थी पर चॉकलेट नहीं थी, तो मैंने ये लेटर लिख दिया खाली, वरना मैं इसमें चॉकलेट्स भी डालती। एंड टाइम पे बना था ये वाला भी, और वो जो मैं अभी दिखाऊंगी वाला भी। सो इट्स लुक्स लाइक दिस। पता है आप लोगों को कैसा लगा? नेक्स्ट वाला दिखाते हैं। और नेक्स्ट वन इज दिस बुक। तो इस बुक की स्टोरी ये है कि मैं इस पे भी कुछ करने वाली थी, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे उन्होंने बुलाया, तो फिर जितना हुआ मैंने उतना कंप्लीट कर लिया, और ये तो मैंने बहुत बाद में लगाया। खैर वील स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई, रखे रखे बहुत सारा लिखा था मैंने, बहुत ही सारा। वो आप लोग सब इग्नोर करें, मुझे भूल गई क्या लिखा था। ये देखें, ये सब नोटिस करें, ये हार्ट इसका लग गया। तो ये सब भी खुलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई लव यू। ओके, तो इसमें क्या है अपन ये देखते हैं। Opens like this. इसमें भी दीशु में ये गांव का फोटो है। मेरी नाक इतनी बह रही है, मुझे इतनी उलझन हो रही है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सबके साथ चल रहा है। ये क्या हो गया, बड़े बेकार है। ओके, सो इसमें भी मैंने कोट्स लिखे थे काफ़ी सारे, बहुत मेहनत लगी थी खैर इसमें। ओके, तो ये है रीशू हमारे, ये भी हमारे रीशू हैं। This,
ओके तो लिखा तो मैंने ला खा तो नहीं सकती, लेकिन ये कुछ ऐसे खुलता है, इसमें मेरे भी फोटोज लगे। तो ये सब मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, ये मैंने लिखे थे। तो दिस ये दीशू ने सबसे फर्स्ट स्टेटस डाला था मेरे लिए, दिस इज आवर फर्स्ट पिक्चर टुगेदर, लव ऑफ माय लाइफ, लिसन आई लव यू दीशू निशा, बट यस दिस इज द फर्स्ट स्टेटस। ये मैंने शादी से पहले बनाया था। ओह गॉड, ये किसने खोल दिया, इट वुड बी लाइक बंदा हुआ था ये, अगर खुला है तो अपन खोल ही लेते हैं। ये चश्मे मैंने आप लोग कुछ दिन दिखाया था, कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन लगाते ही नहीं है, डोंट नो व्हाई व्हाई। इसको बांध दूं मैं तो, यहाँ पे क्या है, आई थिंक कोट्स ही लिखे सब में, यस बहुत सारा लिखा था मैंने, जबकि हमारी बात पूरे टाइम होती थी 24 घंटे, उसके बाद भी सबके अंदर मैंने कुछ ना कुछ लिखा। नेक्स्ट पेज, ओके तो दिस इज ऑल द इशू, पुराने फोटोज हैं, कितने दुबले लगते थे, अब कितने अच्छे लगते माशाल्लाह से। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है, दीज आर समथिंग पर्सनल चैट्स, यहाँ पे सारी हम लोगों की चैट्स थी, जो ये क्या है, दिस इज आओ सुने, मैंने किया विल यू मैरी मी, आई सेड यू, सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ प्रपोज किया था मुझको, दिस इज ऑन फेसबुक, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे, यहाँ पे। सो दिस इज इट, इसको क्लोज कर देना चाहिए हमको, क्यूट। नेक्स्ट पेज, सब बहुत सारी आते हैं इसमें तो यार, इसमें सब में लिखा है मैंने कुछ ना कुछ, ठीक है। इसमें ये भी खुला हुआ कैसे, इट्स अ लॉक, लेट मी अनलॉक इट, नो देयर इज नथिंग, इट्स अ हिडन मैसेज, आई विल शो यू ऑल, ठीक है। सो दिस द मैजिक हैपेंस हियर, so cute, this now we will meet it, okay now we'll open this, oh it's a secret message, no lock to laga do, kisi ne khol liya to, hidden message hamara तो सब नहीं देख लिया। नेक्स्ट वाई, ओके तो इट्स ओपन लाइक, मैं एक हाथ से खोल नहीं पा रही, आप लोग एक हाथ से भी खोल सकते इसको। सब मैंने ये सब कुछ अपने हाथों से बनाया, तो ये क्या है, लॉक था, यहाँ पे कुछ लिखा है, एवरीथिंग आई वांट टू डू विद यू, ओके एंड आई एम डूइंग इट सो अल्हम्दुलिल्लाह, ओके यू आर द परफेक्ट मैन फॉर मी एंड देयर इज सो मच, क्लोज इट। ओके तो ये तो आप लोग ने एक बार देख चुका ऑलरेडी, मैं एक हाथ से नहीं खोल पा रही इसको, ओके तो
देखिए आप सभी सारे फोटो शीशो के शीशो सो हैंडसम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बीबी दिस इज माय रीजन सो या दिस इज अ पजल वन मोर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे भी ये शीशो के फोटो से यहाँ भी मतलब ये दो तो आप देखे अभी देन This is a prank. Yep. It looks... cute. This is it. Okay, so... यहाँ पे भी इन्होंने स्टेटस डाला था पता नहीं कब का है दिस इसको छुपे ही रहने दो इन दिस इज अ कॉलेज माय फर्स्ट रोज गिवन बाय यू दिस इज द फर्स्ट रोज हमारी फर्स्ट डेट पे रीशु ने दिया था एंड आई स्टिल तुम्हें भूल ही गई दिस इज ऑल आई नीड पहले हम लोग ये बोलते थे शिजुका नोबिता तो ये कुछ लास्ट का पेज ऐसा है इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर तो ये कुछ दो चीज़ें हैं जो मैंने खुद शीशु के अपने लिए शीशु के लिए अपने हाथों से बनाई थी एंड आई जस्ट लव्ड इट माय फेवरेट वन इज दिस क्योंकि ये मतलब हमारे पास जो फोटोज़ नहीं भी बचे मेरे पास सारे डिलीट हो गए इसमें सारे फोटोज़ हैं इसमें सो आप लोग बताएं आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा